एक तरफ है पीके एकेडमी यूपी होता। सभी को ले जावा पर्चा प्राप्त कराने के लिए फिलहाल माननीय अतिथि आ चुके हैं। बड़ा मुकाबला पीके एकेडमी यूपी होता वर्सेस हरियाणा के बीच मुकाबला सीआईएसएफ को भी ले जावा। समझ जाता हूं आपका नाम एक खिलाड़ी दर्शन कराने वाला हूं सुरेंद्र राणा। कबड्डी का बहुत बड़ा चेहरा बहुत बड़ा नाम कबड्डी हरियाणा है कि ज्यादा पहचाना चैनल है 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और कबड्डी हरियाणा पे सीधा प्रसारण। एक तरफ में यूपी योद्धा और दूसरी तरफ सीआईएसएफ पानीपत। पानीपत को जानते हैं भारतीय इतिहास में 3 बड़ी लड़ाई पानीपत में हुई और वो पानीपत की पावन धरती जो जिला मंडल गोटेगांव के द्वारा एक तरफ हो रहा है सुरेंद्र राणा जो कि सीआईएसएफ के कैप्टन है तो दूसरी तरफ चिंटू रौनक और चिंटू यूपी योद्धा के कैप्टन। यूपी योद्धा ने टॉस जीता है और कोर्ट चूज किया है। पहली रेड देखने को मिलेगी सीआईएसएफ की तरफ से मुकाबला स्टार्ट और पहली रेड पानीपत की है। सुशील पानीपत की तरफ से पहली रेड सुनील आए हैं रेड पे पहली रेड में देखना होगा सुनील रेड करने के लिए। 7 के डिफेंस में बोनस ऑन है शुरुआत की है स्क्वाड पहली रेड है खासा फुटवर्क है बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। कोशिश लगातार करते हुए टो टच और रनिंग हैंड टच का प्रयास लेकिन डिफेंस शानदार रेडर इस समय बीएस अगर जिनकी इतनी तारीफ की जाए बॉडी लैंग्वेज को लेकर अगर यहाँ बोनस नहीं मिला या टच पॉइंट नहीं मिला तो अगली रेड टू डायरेक्ट आई पानीपत की तरफ से देखना होगा इनके खिलाफ डिफेंस कितना तैयार है ये देखना होगा। टू टच और बोनस का प्रयास कर रहे हैं ऋषभ पंत ने शुरुआत की है फिर से बोनस का प्रयास जरूर किया है लेकिन बोनस के लिए शर्त नाडा के नीचे से लगातार और दूसरा उसी वक्त हवा में रखने अनिवार्य है। कुछ खेल नहीं दिखा पा रही है अभी तक लेकिन ये टू और डाई रेड हालांकि मुकाबला अभी स्टार्ट हुआ है 55 नंबर की सुशील पर टू और डाई रेड पर फिलहाल देखना होगा टू और डाई रेड है कितना मुश्किल है इसको रिस्क लेना है लगातार इस समय लेफ्ट कॉर्नर के बिल्कुल नजदीक यहां कामयाबी मिलती हुई काटा खोलता हुआ और अपने हेड का बखूबी इस्तेमाल करके सीआईएसएफ का 1-1 के बराबर स्कोर बराबर मंजीत यूपी योद्धा ने जम्मू वाली संभाली है रेड की हालांकि तीनों पर इस समय रजत की रेड और रेडर क्या कटका की है रजत के पास में अगर बॉडी लैंग्वेज देखा जाए अलग अलग रेड कर रहे हैं प्रशांत राठी सामने से आए निकलकर मिलेगा एक और देखिए ये जो मैच आप देख रहे हैं इस सत्र का अंतिम मैच है क्योंकि बहुत सारी टीमें अभी ट्रेन आज के शेड्यूल की जितने मैचेस हैं वे कल सुबह 11:30 बजे खेले जाएंगे इसलिए आप सभी से निवेदन है खास करके दर्शकों से और जो हमारी कमेटी मेंबर्स हैं जिनको अलग अलग 11:30 से पहले यहाँ स्टेज की व्यवस्था और मैदान की व्यवस्था सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें कल हमारे मैच 11:30 बजे प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कल से बड़े मुकाबले और बड़े स्टार्स नजर आएंगे। कमाल की ये पलटी लगाई है क्या ये सुपर रेड कर दिया है सुपर रेड और देखिए सीआईएसएफ के जाबाज धुरंधर इस समय 4 पॉइंट पे सीआईएसएफ 3 पॉइंट पे है इस समय यूपी योद्धा यूपी की तरफ से रेड लेकर आए हैं इस समय बीएस दो टच का प्रयास अच्छा खासा सीआईएसएफ वर्सेस जिम्मेदारी सवाल निश्चित एक बड़ी रेड करनी होगी का प्रयास जरूर किया है। फिलहाल वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ रजत के लिए प्रशांत प्रतापा स्वीकार किया गया प्रशांत अरुण कुमार जी के करीब ये डिसीजन होगा फिलहाल एक बढ़िया डिसीजन वहां पर सभी खेल प्रेमियों के लिए विशेष सूचना कल के हमारे मैच सुबह
ठीक 11:30 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। 4-5 का स्कोर रेड करते हुए लेफ्ट कॉर्नर चेन छोड़ी है और राइट कॉर्नर और राइट कवर चेन में है। कवर का खिलाड़ी थोड़ा आक्रामक खेलते हुए दो टच की कोशिश मस्जिद के सामने बॉलू मस्जिद हुड्डा दो नंबर जर्सी में कवर में एक और एमपी रेड देखने को मिलेगी। फिलहाल ने एमटी रेड करके अभी भी एक पॉइंट की लीड में है सीआईएसएफ। सदी हुई शुरुआत दोनों टीमों की देखे 4-5 का स्कोर है। क्या स्कोर बराबर कर पाई इस रेड में यूपी योद्धा की टीम लगातार रेडर सेल बाउट स्कोर बराबर 5-5 काफी बढ़िया मुकाबला इस समय 5-5 पर चलता हुआ ये मुकाबला लीजिए एक बार फिर एक जाना पहचाना रेड्डी है समय चर्चित चेहरा कबड्डी का लगातार बढ़िया फुटवर्क यूपी से अच्छा सप्लिंग राइट कॉर्नर इस समय लेफ्ट कॉर्नर दोनों ही चेन में दोनों तरफ 5-5 का स्कोर भी 5-5 बराबर गए वहां पर रेड्डी और देखिए जवाबी रेड इस समय जी हां जवाबी रेड में आए हैं इस समय सुशील है सुशील रेड पे है। सुशील लगातार प्रयास करते हुए एक सुपर रेड लगा चुका है खिलाड़ी हमारे रेफरी बोर्ड के प्रो कबड्डी का सितारा कबड्डी के सचिव आदरणीय जय शेषन संगारा लेते हुए रजत आए हैं रेड लेकर के देखना होगा थर्ड रेड की जरूर लगाई है कमाल की डोकिया बच्ची ये होटल पूरे गोटे का सुनाई दे रही है और फिलहाल आसानी से बॉडी को जस्ट मल्टीपॉइंट और थोड़ा सा डुबकी के अंदाज में जैसे प्रदीप नरवाल करते हैं निकले और आसानी से पॉइंट लेकर आए दो पॉइंट की बढ़त मजीद बिल्कुल कठिला वदन रेड है फिलहाल सीआईएसएफ कमाल की रेड पानीपत जिन्होंने बात करें नीरज चोपड़ा जो भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था जेवलिन थ्रो में वो पानीपत से ही आते हैं। पानीपत का बड़ा योगदान है खेलों में देखना होगा थाई होल्ड किया सामने से देखने को मिला डिफेंस काम कर रहा है रेडर काम कर रहे हैं इस समय यूपी योद्धा के टाइम आउट लिया है खिलाड़ी थोड़ी शिकन कोलू समर स्मृति में भी ये कारवा आगे बढ़ रहा है 40वां सोपान सुपर टैकल और दो खिलाड़ी कबड्डी का पास कबड्डी का किक सेंटर होल्ड का प्रयास कोलू निकलने का प्रयास है अभी और एंकल को ग्रिप में ले रखा है सुरेंद्र नाडा ने कमाल का टैकल देखने को मिला जबरदस्त एंकल होल्ड सुरेंद्र नाडा और ये सुरेंद्र नाडा का सपोर्ट किया तेजा ने जिस तरीके से कमाल का एंकल होल्ड ग्रिप बना हुआ था 7-8 का स्कोर बिल्कुल मजबूत थी सुरेंद्र की कोई मौका नहीं वहां पर और एंकल होल्ड विकास जी मैं बता दूं कि जिस रेडर पर अगर आपका एंकल जबरदस्त है बड़े से बड़ा रेडर फूल चाटने पर मजबूर हो जाता है और देखिए तेजा की वापसी हो चुकी है लेकिन अब तेजा को अपने तेज अंदाज में रेड करनी होगी। फिलहाल एम्प्टी रेड लेकर वापस आ गए हैं का इंतजार फिर से 37 नंबर की जर्सी पर सब है 37 बहुत ही शानदार आयोजन वाकई में देखिए आप वो बेहतरीन पहले एंकल होल्ड था तेजा का ब्लॉक लाजवाब सपोर्ट मिला था और अब यूपी योद्धा 8 पॉइंट पे और सीआईएसएफ पानीपत है 7 पे बहुत ही शानदार मुकाबला 6 का डिफेंस सीआईएसएफ अभी भी एक पॉइंट से पिछड़ रही है ट्रेड करने आए हैं तेजा अगली रेड यानी है रिस्क नहीं लेना है आसमान पे होगा डिफेंस को जिस तरीके से बिल्कुल रौनक चाहेंगे बहुत जल्दी रेड करके आएंगे मेन रेडर लेकिन मंजीत रेड में इसलिए तेजा ज्यादातर रेड के उत्तरदायित्व लेकर के आ रहे हैं वही काम किया मंजीत ने जो बराबर करते देखिए तेजा ने वापस आ रहा है समय एमटी रेड लेकर वापस गए और लीजिए थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड ये आ चुकी है डू ऑर डाई रेड बूटर सुन सकते हैं आप मुश्किल जरूर होगा यहां पर तेजा के लिए लेकिन अब अपनी तेज रफ्तार के साथ में इस डू ऑर डाई का सामना करना होगा बोनस यहां पर तेजा के लिए और लगातार डिफेंस भी दबाव बनाता हुआ बॉक्स लाइन के बिल्कुल ऊपर चिंटू है सामने से क्या सेंटर लाइन तक हाजिर पहुंचा है किया है या नहीं सेंटर लाइन तक या क्रॉस यहां कबड्डी में मिड लाइन टच नहीं बल्कि क्रॉस करना होता है बहुत नजदीकी मामला था देखना होगा क्या निर्णय आता है तीनों हमारे रेडर को बाहर जाना होगा पहुंचा था लेकिन और इतना ही कहना चाहेंगे कि हाथ को आया
इधर भी एक और क्या एंकल होल्ड देखने को पिछले रेट में तेजा को एंकल होल्ड का क्रॉस करने के बला टू अढ़ाई सुपर टेकल ऑन है दोनों कॉर्नर मौजूद है इस समय देखना होगा रजत रेट पे पॉइंट लाना ही होगा और फिलहाल इस समय सामने से आकर ब्लॉक करना चाहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली पॉइंट मिलता हुआ एक और 10-7 का स्कोर लाइट्स जो लाइट ऑपरेट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि लाइट्स ऑन करा दे जो ऊपर की राइट है ताकि हमारे कवरेज जो हो रहा है कबड्डी हरियाणा ताकि और खूबसूरती से वो कवर किया जा सके डबल थाइस पे बहुत अच्छा बोनस जरूर मिला है ऑन आउट मिलता हुआ जरूर मिला 8-3 का स्कोर 5 पॉइंट की लीड आ गई 1+2 यूपी योद्धा के पक्ष में नाम कमाने का यानी मौका आपको एक बार 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 भी मिलता और लीजिए फिर एक बार पीएस ऑल आउट के बाद देखना है ऑल इन लाल सारी पद के लिए मुश्किलें बढ़ रही है प्रयास जरूर कर रहे हैं बीएसएफ आपके लिए समय बीएस है 51 नंबर की जर्सी पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन अब तक समझना होगा एक तरफ युवा टीम लीड तो धीरे धीरे बढ़ रही है अनुभवी टीम इस लीड पर भी अब अंकुश लगाना होगा सोनीपत के लिए फिलहाल देखना है सुशील इस समय बॉक लाइन के अंदर एडवांस लेकिन सामने से निकल कर आए हाई होल्ड पर गए होल्ड पर पूरी तरीके से टैकल देखने को मिला ग्रिप बांध ली थी सही समय पे अपना मिलन डिफेंस ने प्रशांत राजेश क्वालिटी लगाई है क्या मेरा एक कामयाब होगी निकलने का प्रयास रेडर आउट ऑफ और रेडर कोच हुए हैं किया था फिलहाल 14 पॉइंट पे यूपी योद्धा 9 पे सीआईएसएफ पानीपत पहला हाफ क्या दिलचस्प है यूपी रेड कलर की जर्सी में टीम है पानीपत देखें हल्का सा ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार आयोजन आगे बढ़ता हुआ इस समय धीरे धीरे खूबसूरती से यह मुकाबला एक अलग कहानी कह रहा है हेलो 14 पे यूपी 9 पॉइंट पे सीआईएसएफ पानीपत हमारे अतिथि मंच पर उपस्थित हैं सेंट्रल बैंक के मैनेजर सम्मानित श्री अमर सिंह जी फूड इंस्पेक्टर श्री शंकर सिंह जी पटेल आपका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है रजत आए हैं देखना है रेड पर यूपी योद्धा की ओर से एमटी रन लेकर वापस गए पिछले रेड पर क्या बेहतरीन रजत ने पकड़ बनाई थी और एक बेहतरीन पॉइंट और ये देखिए खूबसूरत दोतिया रोशनी का ये प्रकाश पूरी तरह से कह सकते हैं इस मुकाबले में चार भूख के रखी है रेडर भी उसका बखूबी साथ दे रहे हैं कमाल की रनिंग बाहर किया यूपी के इस खूबसूरत रेडर ने 5-7 पॉइंट की सीआईएसएफ जो अंतर है वो बढ़ता हुआ यूपी 16 पॉइंट पे इस वक्त रेड है सीआईएसएफ की यूपी का डिफेंस देखिए कितना आक्रामक होकर खेल रहा है पकलाइन से भी आगे ओ हो एडवांस टैकल करने का प्रयास हर्ष का या कभी पॉइंट कमाना पड़ा सीआईएसएफ को मिलने वाला एक और बेहतरीन खूबसूरत पॉइंट फिलहाल देखना होगा इस समय 51 नंबर की जर्सी पर फिर एक बार पीएस हमारे संभागीय कबड्डी के मैच साइड वाले ग्राउंड पर संपन्न हो रहे हैं मैं हमारे अतिथियों के नाम उद्घोषित कर रहा हूँ ये अतिथिगण ध्यान देंगे आप ऐसे निवेदन कर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें वहाँ आपको खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने हेतु जाना है श्री योगेंद्र पटेल जी थापा श्री वकील पटेल मुराद श्री संजय पटेल बेलफेड़ी श्री सतीश पटेल बटोरे जो अंतर है वो बढ़ रहा है 7 पॉइंट की लीड हो गई है 10-17 का स्कोर है छोटू भैया इंजीनियर देवदत्त जी पचौरी छोटू भैया आपसे निवेदन है ये समस्त अतिथियों को लेकर आप संभागीय कबड्डी मंच पर ले जाने की व्यवस्था करें इस मैच के पश्चात केवल हमारे संभागीय कबड्डी के मैच आयोजित होना है तो सभी दर्शक ध्यान देवे आप भी मैचों का वहां पहुंचकर लगातार आनंद ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्माननीय सर का जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी खूबसूरत
आतिथ्य मेजबानी फिलहाल जुबडाई रेड है इस का डिफेंस फटरेट में बीएसआई है टू टच का प्ले का बाल का टू टच से बहुत शायद टू टच देखने को मिला है तेजा पर आप संभाले कबड्डी स्तर पर अपने साथियों क्या लाजवाब टू टच किया इतनी खूबसूरती से इतनी बारीकी से दीपक भाई आप सभी को लेकर संभागी कबड्डी स्थल पर मंच पर विराजमान करावे टक्कर के देखने को मिले हैं। हालांकि एक मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो ये मुकाबला अभी वापसी कर रही है। तीन डिफेंडर सही आने की सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन तीन खिलाड़ी मोड में सुरेंद्र नाडा और बहुत ही हमारे अनुभवी निर्णायक मंडल की टीम है। तीन खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल ऑन लाइव एक्शन और बड़ी नागिन सिंह फाउंडेशन मोनोविया के वेबसाइट पे भी लाइव एक्शन आप देख सकते हैं। शूट और जबरदस्त ये चपलता ये डायरेक्ट आनी है यूपी योद्धा की तरफ से दमखम वाले खेल की कहानी बयान कर रहे हैं। फिलहाल डू और डाई रेड में आए हैं समय रजत सुपर टैकल भी ऑन है। मजीद ने बाहर सफल है तीन खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल ऑन सुरेंद्र राणा पॉइंट मिलेगा या डिफेंस को सुपर टैकल ऑन एक कमाल का सुपर टैकल कर चुका है खिलाड़ी पूरी तरीके से अपने आप को एंड लाइन तक बचने का प्रयास कर रहे हैं और कर दिया बिल्कुल भाई सुपर टैकल मंजीत ने मंजीत को भार दिया मंजीत उठा ने मंजीत को सुरेंद्र हमें बिल्कुल शादरू की याद दिला देते हैं जिस तरीके से सुरेंद्र का अंदाज बिल्कुल शादरू की तरह नजर आया। और ये देखिए इस समय ये खिलाड़ी सेल्फ आउट बिल्कुल छिपकली की तरह वहां पे है अपने आप को क्या सफलता रहती है। सुरेंद्र तो सुरेंद्र नाड़ा की याद दिला रहे हैं साथ ही साथ ये नाम काफी प्रभावित करता है कबड्डी में सुरेंद्र। और ये देखिए इस समय पीएस 40वां सोपान भारत की नामचीन टीमें इसमें शिरकत कर रही है हिस्सा ले रही है धीरे धीरे मुकाबला है की टीम ने। एक तरफ सीआईएसएफ और दूसरी तरफ है यूपी योद्धा की रेड वापस एमटी रेड करके वापस के है। दोनों तरफ पांच पांच का डिफेंस बॉनस मिलेगा नहीं किसी को भी लेके 14 मश वाला है रेड्डी आए हैं फिर एक बार देखना है रेड की कमाल है रेड्डी ने पांच खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद 59 नंबर जर्सी में प्रयास वहां पर इस बार पीक सेंटर पर सचिन पर दावा जरूर किया था लगातार देखिए राइट कॉर्नर की तरफ गए पर शांत राठी ने निशाना बनाया ओए पुल को नतीजा देखिए जिस तरह मौत का सफर भी तय होने लगता है और वही हुआ आखिरकार रेड्डी शिकार हुए राइट कॉर्नर पर। क्या खूबसूरत टैकल इस समय सचिन आ गए और ये देखिए अपने आप को बिल्कुल तरफ से देखने को मिल रहा है कहानी की बात करें तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है पांच पॉइंट की लीड में है। बहुत ही शानदार ये मुकाबला यूपी योद्धा की टीम शानदार मुकाबला है बीएसआई है रेड पे लंबे कद के रेडर अच्छा सा फुटवर्क है और गोलू ने इस बार बाहर संभाला है रेड का पांच के डिफेंस में दो सब इंस्टीट्यूट देखने को मिले हैं मध्य अंतर में शैशव की तरफ से हमारे बीच में भुवनेश्वर को अंदर लेकर आए मास्टर श्री विनोद शर्मा जी उपस्थित हैं। आपके हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन आयोजन आगे बढ़ रहा है देखिए बड़ी नागेन सिंह फाउंडेशन लगाने का प्रयास मंडल की ये बहुत ही अथक मेहनत मध्य प्रदेश और देश का सबसे अग्रणी 40वें संस्करण में फिलहाल सेकेंड हाफ बड़ा निर्णायक रहेगा पांच पॉइंट की बढ़त पे है इस वक्त बात करें यूपी योद्धा लेकिन अच्छी टीम है सीआईएसएफ वापसी करना जानती है ये टीम क्योंकि डिफेंस में सुरेंद्र नाड़ा प्रो कबड्डी स्टार लेफ्ट कॉर्नर पे है और लगातार अपनी चपलता दिखा रहे हैं कॉर्नर काफी मजबूत इनका वाकई विकास भाई बिल्कुल सही कहा आपने नंबर 33 देखिए हाइट देखिए इस खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज देखिए लाल आए और बहुत जल्दी गए और लीजिए ये है डू और डाई राइट डू और डाई राइट यस
यूपी योद्धा के, यहाँ से मुश्किल जरूर होगा। टू अढ़ाई में जिम मौसम वाला है उदय ने, और ये देखिए एडवांस कमाल का विकास जी, लेकिन ये डैश कमाल का है बिल्कुल। अरुण वर्मा जी ने कहा है इधर भी डोड़ है रख, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शानदार टाइमली डैश किया था। जो अढ़ाई रन है पांच के डिफेंस में, डिफेंस कामयाब हुआ था क्या इधर भी डिफेंस कामयाब हुआ, 16-20 स्कोर वापसी कर दी एशिया एसएफटी टीम, बहुत बढ़िया हाई होल्ड किया राइट बेहतरीन, ये हाई होल्ड शेर का सिंगल था होल्ड पर डाई लगाई और कमाल का टैकल देखने को मिला। राजेंद्र राय जी, राजेंद्र राय जी का आगमन अंतर से सीनियर वर्ग के अध्यक्ष है, आप देख सकते हैं मुख्य मंच पे सामने से गुजरते हुए, फिलहाल इस समय नजर आ रहे 16 पॉइंट पे है CISF और 21 पॉइंट पे यूपी योद्धा, बहुत दूर तक का सफर तय कराया रजत को, क्या डैश किया के मुताबिक काम करता हूं एक लड़का और उनकी पूरी टीम एक अच्छा तालमेल डिफेंस के बीच में, जितनी तारीफ की जाती कम सचिन फिलहाल देखना है यूपी योद्धा के, एक और योद्धा इस समय यश देखना है 37 नंबर की जर्सी पर, युवा खिलाड़ी है यश लेकिन कुछ खास प्रदर्शन सचिन 10 नंबर की जर्सी पर, जी हाँ ये सचिन, क्या सचिन तंवर की तरह खेलेंगे जो इन दिनों पटना पायरेट्स में खेल रहे हैं, 17-21 स्कोर सचिन रेट पे, 17-21 का स्कोर, कमाल का टैकल डिफेंस में दहाड़ने लगे हैं रौनक, कमाल का प्रदर्शन करता हुआ, जब जब टीम को जरूरत होती है रौनक तब तब पॉइंटर जीत करते हैं डिफेंस में, टाइम का खेल खत्म हुआ था 17-22 स्कोर 5 पॉइंट का भी अंतर, और अभी भी सेकंड हाफ पे इन लम्हों में 5 पॉइंट लीड में है यूपी योद्धा, शानदार मुकाबला ये, श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल साहब मार्गदर्शन में आदरणीय हमारी पूरी टीम जो इस आयोजन की व्यवस्था देख रहे, पंकज चौक से साहब, साथ ही साथ नारायण राजपूत जी, शक्ति सिंह राजपूत जी और आदरणीय राजेंद्र राय जी, जितेंद्र ठाकुर जी, पंकज चौक से जी, और फिलहाल अब टू एंड आई रेड इस समय देखना होगा, सामने से ब्लॉक किया, क्या खूबसूरत टैकल है ये, भाई स्कोर की बात करें तो 18-22 स्कोर है एवं माला से थोड़ा योगदान हुआ था दोस्तों, सहयोग क्रीड़ा मंडल के आयोजन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ देखिए टू अढ़ाई रेड है, सुरेंद्र नाड़ा प्रो कबड्डी स्टार लेफ्ट कॉर्नर पर सुरेंद्र है, लेकिन सुरेंद्र से पहले ही रेडर ने सरेंडर किया, स्कोर की बात करें तो 19-23 स्कोर है, 4 पॉइंट का अंतर यूपी योद्धा के पक्ष में, टूर्नामेंट का नाम है सहयोग श्याम भैया जी, बाबा राठौर जी 19-23 स्कोर, बाबू जी सुशील इस समय में आवास व्यवस्था में, भाई योगेंद्र पटेल जी, मोनू शर्मा जी और अन्य सभी मित्रगण लगातार अपनी जो सहयोग है, हर्ष ने लंबी डाई लगाई थी एंकल पर लेकिन कामयाबी मिली मुझे सुशील को, कमलेश श्रीवास्तव जी, राजा जैन जी, बलराम विश्वकर्मा जी, संदीप विश्वकर्मा जी, वीरेंद्र पटेल जी, यशवंत पटेल जी, नीरेश पटेल जी, राजा ठाकुर जी, एक और है बीएल देखने को मिलेगी क्योंकि सामने तीन का डिफेंस है, हमें लगातार सहयोग प्राप्त होता रहता है, अगली डोर डाई बहुत बहुत धन्यवाद इस समय इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, और पूरे आयोजन इस समय बात करें आजकल के कॉम्बिनेशन में है, और यूपी की रेड लेकर आए हैं इस समय कुणाल, कुणाल आए हैं रेड पे, देखना होगा 7 का डिफेंस यूपी का, यह खूबसूरत योद्धा अपने जज्बा दिखाने को तैयार है, शानदार मुकाबला बड़ी नागेंद्र सिंह फाउंडेशन युवा दिलों की धड़कन के स्मृति में, 40वां सोपान इस समय आयोजन का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सुपर टैकल में रेड करने आए हैं सुरेंद्र नाड़ा, प्रो कबड्डी का बहुत बड़ा सितारा सुरेंद्र नाड़ा है रेड नाड़ा का, लेकिन डिफेंडर्स के तौर पे पहचान रखते हैं टू अढ़ाई जुर्मगर भाई, जी हाँ विकास क्या इंटरनेशनल टूर लगा चुका है सुरेंद्र, देखना है कुणाल के लिए खिलाड़ी समय, कुणाल दूसरी तरफ लेफ्ट कॉर्नर पर सुरेंद्र नाड़ा, देखना होगा यहाँ पर क्या ये बाजी मार कर ले जाएंगे कुणाल, कुणाल लगातार प्रयास, डिफेंस किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं करना चाहता है, और ये देखिए
डबल थाई पर इस समय एक चीज आप अगर गौर कर और बनाओ सुपर टैकल ऑन दो खिलाड़ी कोर्ट में सुशील डू और डाई रेड में सुपर टैकल है निगाह है रखना कोटे गांव वालों कुछ ना कुछ होगा आगे कुआं पीछे खाई और इस बार बाजी मार ले गए सुशील भाई क्या कहने रेड किया है बिजली की चपलता के साथ के डिफेंस को झकझोरने लगे हैं अब धीरे धीरे 22-23 मात्र बराबरी पर आ गया पूरी तरह से लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में है और एक कबड्डी भी खत्म हो सकती है लीड में एक पॉइंट की ही कबड्डी में कौन सा प्रयास जरूर किया है टैकल ऑल आउट कर दिया सीआईएसएफ लीड में आ गई सीआईएसएफ की टीम अब सीआईएम सहयोग आगने पर मुकाबला स्टार्ट ऑल आउट मिला है 23-25 का स्कोर पूरी दो पॉइंट की लीड इस समय सीआईएसएफ के पक्ष में 23-25 का स्कोर है सुशील लगातार प्रभावित कर रहा है खिलाड़ी दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए हैं लेकिन यहाँ विपुल सामने से आई कमाल का टैकल देखने को मिला जकड़ लिया झिरमुट ने मोहित्ता का परिचय दिया है यूपी योद्धा के डिफेंस ने मुकाबला बिल्कुल धीरे धीरे फिर से मुकाबला बराबरी की तरफ आता हुआ चल रहा है और लेकिन यहाँ डिफेंस की तारीफ कर रही होगी दोनों तरफ से डिफेंस काम करता हुआ लेकिन सामने एक अंधेरा था बीएसके और देखिए क्या खूबसूरत टैकल किया है बीएसके और वही अंधेरा देखना है दोनों तरफ से सेम गेम देखने को मिला है जबरदस्त देखने को मिला कमाल का टैकल परचम लहरा रहा है सीआईएसएफ 26 पे यूपी 25 पे निगाह से निगाह मिला करके चुनौती देता हूँ इस समय एंकल होल्ड किया सामने से ब्लॉक कंपनी सीआईएसएफ 27 पे यूपी 25 पे फासला सिर्फ 2 पॉइंट का मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के तत्वाधान में हमारे युवा दिलों की धड़कन रोन उठा और इसे निकला तो बड़ी रेड साबित होगी कमाल रेडर ने सुपर रेड अरुण राजपूत जी की 3 उंगलियां हवा में साहब जबरदस्त वापसी करती हुई वापसी ही नहीं की इस मुकाबले को धीरे धीरे अपने गिरफ्त में करती हुई क्योंकि 5 पॉइंट का अंतर था मध्यांतर के समय मेरठ के पक्ष में लेकिन अब 5 पॉइंट की लीड आ गई सीआईएसएफ के पक्ष में इस समय कमाल का टैकल देखने को मिला एक और डिफेंस के नाम रहा टैकल जुल्फिकार भाई जिस आखिरी 5 मिनट का संकेत 5 मिनट का कमेटी रेफरी ब्रजेश बागोरा जी शांत पुष्पेंद्र जी पांडे स्वदीप सिंह जी गोलू भैया आरपी सिंह जी और जेसी सिंह के मार्गदर्शन में पूरी टीम निकलने का प्रयास सुशील का अगर यहाँ से निकलेंगे तो बड़ी रेड साबित होगी शानदार छवि बिचारी है विशिल नहीं बजी अभी विशिल अभी नहीं बजी कमाल का ये सुपर टैकल देखने को मिला जबरदस्त गेम मनजीत और हर्ष का जान जाने झगड़े रहे लास्ट 4 मिनट का समय से 27-31 वापसी करती हुई फिर से यूपी योद्धा की टीम 27 अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है पानीपत इस समय देखना है जबरदस्त ये मुकाबला कमाल का मुकाबला दोनों टीमों की तरफ से अभी तक देखने को मिला है देखना है पीएस बड़ी रेड करनी होगी पीएस के लिए यहां से अब देखना होगा समझना होगा परखना होगा और एमडी राइट पर शूट किया सुरेंद्र नाड़ा प्रो कबड्डी सुरेंद्र नाड़ा ने समय काटने का प्रयास सुरेंद्र का गेम की जानते हैं स्लो करना चाहते हैं जिस तरह की सिचुएशन है गेम की उसी तरह का गेम दिखाते हुए कोशिश रहेगी सुरेंद्र नाड़ा बड़ा नाम है रेड पे इस समय 31-27 आखिरी 4 मिनट से कम का खेल शेष है मुकाबला 4 पॉइंट की लीड में है सीआईएसएफ और कमाल की रेड पॉइंट एक और पॉइंट जो बच गए 28 पे सीआईएसएफ 31 आदरणीय राजेंद्र राय जी जितेंद्र ठाकुर जी दोनों व्यक्तित्व मौजूद हैं और क्या शानदार मुकाबला इस समय देखने एक होगा 4 के डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में जुल्फिकार भाई 28-31 सिर्फ 3 पॉइंट की लीड है सीआईएसएफ के पास जी हाँ बिल्कुल विकास भाई पानीपत डू और डाई पर खेलना चाहेगा डिफेंस को अपने 28-31 3 पॉइंट का अंतर मात्र भुवनेश्वर खिलाड़ी रेड है
छोटे गांव वालों देखना होगा चार के डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में 30 सेकंड्स में पॉइंट लाना अनिवार्य है। रेड है रॉयल से आईएसएफ की विकास मिलन का समय शेष और अंतिम दो मिनट का समय देखिए धीरे धीरे वक्त निकल रहा है 6-5-4-3-2 एक भाई समय समाप्त भी हो गया अंतिम क्षणों में टैकल देखने को मिला कमाल का सुबह को मजबूत करती हुई 29-30 ये योद्धा है दो मिनट का समय से इसे अंतिम और दो पॉइंट की लीड अभी भी लड़ना जानता हो यूपी योद्धा 29 में इस बार सीआईएसएफ और कमाल की क्या देखने को मिली सामने से आया साथी खिलाड़ी ने कमाल कर दिया बड़ों में एक तरफ से सुरेंद्र नाणा डिफेंस पर पूरा काम कर रहे हैं बाकी पूरा साथ दे रहे हैं सुशील सचिन देखिए समय निकालने का पूरा प्रयास क्योंकि अब जानते हैं कि जो टाइम बचा हुआ है समय बहुत कम है अंतर 3 पॉइंट का दो अढ़ाई पर खेलना चाहेंगे बोनस मिलेगा नहीं पानी पक्के रेडर फिलहाल देखना होगा कि अंतिम एक मिनट का समय इतना वक्त समय लिया जा रहा है जी हाँ इस समय 29-32 का स्कोर आखिरी मिनट का खेल शेष है इस बार देखिए 3 पॉइंट के लीड में सीआईएसएफ ये रेड से ही दशा दिशा तय हो गई हालांकि पॉइंट में लेकर अंतिम शॉट चलते हुए 30 पॉइंट लिंक नहीं किए 29-32 पॉइंट राइट कॉर्नर से सुशील आए हैं समय काटना चाहेंगे 30-32 का स्कोर 30-32 स्कोर हो गया सीआईएसएफ मुकाबले में कुछ सेकंड्स का खेल शेष ये रेड ही निर्णायक है और 2 पॉइंट की लीड आज सभी मुकाबले कितना रोचक रहे हैं हालांकि रेड जरूर मिलेगी एक और देखने को भैया भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं मुकाबले को बिल्कुल नजदीक से देखना चाहेंगे कि आने वाली यूपी की जो रेड होगी वो कितनी शानदार होगी फिलहाल देखना है 2 पॉइंट की दरकार है बीएस से देखना है क्या कुछ करने की क्षमता संघर्ष जिंदगी का पहला नियम यूपी अगर इसे स्वीकार करेगा तो वो आगे बढ़ेगा ये आखिरी रेड हो सकती है बच रेड देखना होगा हालांकि हम ऑफिशियल्स के निर्णय का हम इंतजार करेंगे जी हाँ इंतजार नहीं करना होगा जीत दर्शित करनी सीआईएसएफ ने कड़ी बाजी मारी है उलट फेर वाले मुकाबले में सरहदों को बाहर करना चाहता 32-31 मात्र 1 पॉइंट से आखिर साबित कर दिया सुरेंद्र नाणा ने पूरी टीम ने दोनों टीमों ने और कल 11:30 पे जेसी शर्मा सर हमारे अभिभावक चर्चित चेहरा के चेयरमैन और सचिव भी